नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। जनपद पंचायत नारायणगंज के ग्राम पंचायत मैली के ग्राम बाबा देवरी में संचालित नवीन प्राथमिक शाला बाबा देवरी जन शिक्षा केंद्र नारायणगंज संकुल केंद्र बहमनी भावल के अंतर्गत संचालित है। माध्यमिक शाला भवन में स्थित देखकर के अंतर्गत संचालित है। माध्यमिक शाला भवन में स्थिति देखकर लगता है कि मौत का संदेश दे रहा है, पर कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। इसको लेकर शाला प्रबंधन समिति और वर्तमान शिक्षक द्वारा शिक्षक विभाग को विगत 2 सालों से लिखित व मौके सूचना दे रहे हैं। इसके बाद भी आज दिनांक तक इस भवन में शिक्षा विभाग से संबंधित एक भी अधिकारी द्वारा विजिट नहीं किया गया। स्कूल के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अंदर के 3 कमरे पूरी तरह से दीवारों में निशान के साथ साथ आधा दीवार टूटकर अंदर ही गिर चुका है। इसके बाद ही शिक्षा विभाग मेंटेन के नाम पर केवल कागजों में ही खाना पूर्ति कर रहा है। शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष अजय सिंह रौर ने बताया कि संबंध में हम आज जिला कलेक्टर तक को सूचित कर चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक शिक्षा विभाग यदि जिला प्रशासन की एक भी अधिकारी शाला में झांकने तक नहीं आया। समस्या हमें है क्योंकि हमारे गांव के बच्चे और हमारे स्वयं के बच्चे इस शाला में पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग करोड़ों की राशि मेंटेन के नाम पर आता है, परंतु हमारे ग्राम की शाला को आज भी शिक्षा विभाग द्वारा उपेक्षित किया गया है। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। शाला में क्या दिक्कत हो रही है? शाला में दिक्कत, अभी शाला में 3 कक्ष हैं, तीनों कक्षों की छत जो है झुक चुकी है, प्लास्टर गिर रहा है, बच्चों को बैठने की स्थिति नहीं है। दो कुर्सी और एक टेबल टूट गई है और पानी पूरे में पिघल रहा है और स्कूल की जो मतलब मरम्मत है तो मरम्मत लायक नहीं है। स्कूल पूरी जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है। मैंने विभागीय, आपने संबंधित विभाग को इस विषय में सूचित किए हैं? हाँ, मैंने अपने BRC DO को जानकारी दे दिया हूँ, लिखित में भी दिया हूँ, मौखिक में भी जानकारी दे दिया हूँ और मेरे पास उसकी पावती भी है। और मैं भी बच्चों को मोहल्ला क्लास लगाता हूँ, मोहल्ला क्लास में बच्चों को बैठा लेती है, 2-4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ शासन की गाइडलाइन के अनुसार, यहाँ के नियम के अनुसार। और यहाँ की जो मतलब अलमारी कुर्सी टेबल थे, मैं दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया हूँ। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा, उनके माध्यम के द्वारा, उनके सहयोग से दूसरे घर में इंद्रवती बाई मेंबर है, स्कूल वार्ड मेंबर, उनके घर में शिफ्ट किया हूँ और वहीं पर मैं अपना जो कार्यालय का काम है वहीं बैठ कर करता हूँ। और बच्चों को अभ्यास का डिजी लैब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मैं शिक्षण काल भी करा रहा हूँ। सर, यहाँ ना रोड की सुविधाएं हैं, ना ही शाला में बाउंड्री वाल हैं, बच्चों को तो बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, कीचड़ है बहुत ज़्यादा, बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बड़ी गाड़ी भी आती है यहाँ मटीरियल लेके मोहल्ले में, उससे भी गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, तालाब किनारे है, स्कूल के सामने बच्चे खेलते हैं तो बहुत डर लगता है। इस संबंध में आपने विभाग को सूचित किए थे? ये बाउंड्री वाल रोड संबंध विभाग को सूचना दिया हूँ, पंचायत को सूचना दिया हूँ कि स्कूल के सामने जो तालाब है पानी भरा हुआ है, बच्चे खेलते हैं। ठीक, ना बाउंड्री वाल है और ना ही आने की रास्ता है, इतने कीचड़ हैं, बच्चे यहाँ कैसे उपस्थित हो पाते होंगे? नवीन प्राथमिक शाला बाबा देवरी में बच्चों को आने के लाने काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रोड पूरी मतलब मिट्टी से जर्जर टाइप की रोड बनी हुई है, मिट्टी पूर दिए हैं और आना जाने बड़ी दिक्कत जाती है। स्कूल के जस्ट मतलब सामने तालाब पानी से भरा हुआ है, बाउंड्री वाल नहीं है, शाला में किचन शेड नहीं है। सर, बाबा देवरी की जो स्कूल है माध्यमिक शाला, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी शिकायत ग्रामीण और शिक्षक द्वारा पूर्व में भी किया गया था, इस संबंध में क्या कहेंगे? जिस प्रकार लगातार मीडिया के द्वारा कल भी एक जानकारी आई और इससे पहले भी, सिर्फ अपने नारायणगंज विकासखंड में नहीं, इसके आसपास भी इस प्रकार की लगातार गंभीर समस्याएं और शिकायत भी आ रही है कि स्कूलों के जर्जर होने की और गिरने की, तो स्पष्ट रूप से यही लग रहा है कि क्योंकि उक्त भवनों के संबंध में, प्राथमिक शाला के संबंध में पहले भी शायद 181 में शिकायत दर्ज है और पहले भी हमारे जनपद स्तर से इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी, पर इसके बाद भी शासन स्तर तक जानकारी पहुंचाने के बाद भी इन पर ध्यान न देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न देना, कहीं ना कहीं वर्तमान में जो शिवराज सिंह सरकार जो है उसकी मंशा साफ है कि एक वर्ग विशेष को शिक्षा से वह कोसों दूर रखना चाहती है, इस वजह से वह इस प्रकार की शिकायत या समस्याओं पर भी किसी प्रकार का भी
ध्यान नहीं देती, ना ही कोई उचित कार्रवाई उनके द्वारा या विभागीय स्तर पे या शासन स्तर पे किया जाता है। नाम है आपको दीदी? आप यहाँ के वार्ड मेंबर हैं और स्कूल की वर्तमान स्थिति भयंकर है, इस संबंध में आपने किसी विभागी को सूचित किए थे क्या? हम तो कह रहे हैं कि अच्छी स्कूल और बनना चाहिए ढंग से। हाँ, पूरे जर्जर हो गए हैं, कभी लड़का बैठे हैं कछु हो गए हैं। पूरे सामान तो हमारे घर में धरे हैं। अच्छा, स्कूल के सामान आपके घर में रखा गया है? जी। R9 भारत के लिए मंडला से रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।